हेलो गाइस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है, जून मंथ के लिए, जो कि जून 2022 है। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे लव करियर से रिलेटेड, ओवरऑल आपके लाइफ में जून मंथ में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ये रीडिंग जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम मेन मैसेज लेंगे और यहाँ से हम एक मेजर मैसेज लेंगे। ये सीक्रेट टैरो डेक है, यहाँ से हम एक मेजर मैसेज लेंगे और यहाँ से हम एक एंजल मैसेज लेंगे, ठीक है। तो इसे हम पहले साइड कर देते हैं क्योंकि इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले मेन मैसेज ले लेते हैं क्या है। तो गाइस, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी अपने मन में ना लाओ। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वांड्स। तो चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। हाँ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा लोनली फील करने वाले हो गाइस, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी से नहीं बात करनी है अभी, आपको सबसे कांटेक्ट बंद कर देना ही अच्छा लगेगा। आप बहुत से लोगों को ब्लॉक करने वाले हो गाइस सोशल मीडिया पर, और कुछ लोग तो अकाउंट ही डिलीट करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को किसी के साथ बात करने का मन नहीं होगा, आपको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा गाइस, ठीक है। जून मंथ के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बॉटम ऑफ द डेक आया है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ओके, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से साइन है मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर आज साइन है टॉरस, वागो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लग रही है मुझे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जून मंथ में 1 से 10 तारीख के बीच में आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शादी का प्रपोजल आपके पास आने वाला है गाइस, ठीक है। बहुत दूर से आएगा, ठीक है, आपके आसपास से नहीं आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर होगा, आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट हो सकता है, ठीक है, आउट ऑफ टाउन भी हो सकता है। वहाँ से कोई प्रपोजल आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, जून मंथ में किसी के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए शादी का प्रपोजल नहीं आने वाला है, ठीक है, उसके लिए मुझे लग रहा है कि जून मंथ के जो 1 से 10 तारीख के बीच में उनके पास कोई ऐसा ऑफर आएगा गाइस, ठीक है, जिसके आने की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा पीस, हार्मनी महसूस होगा, ठीक है, खुश महसूस कर पाओगे आप, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे आप 1 से 10 तारीख के बीच में जून मंथ के, ठीक है। आपके मन में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ बाहर भी जा सकते हो घूमने, ठीक है, कहीं पर खाने, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो गाइस 1 से 10 तारीख के बीच में, मुझे ऐसा ही लग रहा है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ठीक से। तो 10 से 20 तारीख के अंदर जून मंथ में क्या होने वाला है देखते हैं, ठीक है। तो देखो, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बात है, आप लोग पॉजिटिव रहोगे 1 से 10 तारीख तक, ठीक है। हाई एनर्जी रहेगी आपकी अंदर, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहेगा, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास एक ऑफ़र भी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जो कि पैसों का ऑफ़र होगा, ठीक है। आपकी फिनेंशियल जो साइड है ना, आपका फिनेंशियली कुछ ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो गाइस, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का प्रमोशन होने वाला है, ठीक है, और कुछ लोगों का जो बिज़नेस करते हैं उनमें ग्रोथ दिख रहा है मुझे, और बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है, ठीक है गाइस। कोई प्रोजेक्ट अगर होगा वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। किसी भी तरीके से पैसों वाला ऑफ़र आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। ये जो शादी का ऑफर ऑफ़र आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो जो ले आ रहा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फेथफुल इंसान है, ठीक है, और मदर फिगर है, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो भी यही बात लग रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा लॉयल है और फेथफुल इंसान भी है, ठीक है। तो ये आपके बेटर हाफ हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं वो ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। बहुत से लोगों की मुझे यहाँ पर शादी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो पैसों का ऑफ़र आपके पास आ रहा है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे गाइस, ठीक है। आपके पास अबंडेंस और हारमनी, पीस आपके पास आ रही है, ठीक है, और वो गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं 20 से 30 तारीख के बीच में जून मंथ में क्या होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि ये शादी बहुत से लोगों के लिए होने वाली है गाइस, ठीक है। फैमिली यहाँ पर जुट जाएगी, तो फैमिली सेलिब्रेशन यहाँ पर दिख रही है मुझे, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो ये तो डेफिनेट है कि आपके पास एक अबंडेंस, एक हार्मनी, एक पीस का ऑफ़र आपके पास तो आने वाला है जून मंथ में गाइस, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा, यहाँ पर भी लगा, और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपके पास कोई ऑफ़र तो आने वाला है। इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो गाइस, ठीक है। जून मंथ आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा जो मेजर मैसेज है, ठीक है, वो हम दे देते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। तो पॉजिटिव रहो, सक्सेस आपके पास आ रही है, द सन, ये बहुत अच्छी है गाइस, ये बहुत अच्छा है। ये सन आ जाने से आपका जो ये रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी से भर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कार्ड भी वही कह रहा है कि आपके पास अबंडेंस, खुशियाँ, हार्मनी, पीस, बहुत से गुड न्यूज़ेस आपके पास आने वाले हैं। ये ऑफ़र आने वाला है, ठीक है। आपका जून मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गुजरेगा गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सभी जगहों से मुझे यही मैसेज मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल क्या कह रहे हैं आपसे, ठीक है। आप अगर जून मंथ में किस कोई भी काम के इनिशिएटिव लेते हो तो वो काम भी आपको बहुत जल्दी पूरा होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, बहुत ही स्मूथली पूरा होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, और आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो एंजल आपको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, और आपके लिए जो मैसेज ज़रूरी होगा अभी एंजल वही देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, रिलेशनशिप
तो देखो, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है गाइस, ठीक है, तो आप भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूले, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास वो जो ये ऑफ़र, जो शादी का ऑफ़र, जो ये लॉन्ग टर्म वाला लव प्रपोज़ल आपके पास आने वाला है गाइस, ठीक है, ये जो पैसों वाला ऑफ़र आपके पास आने वाला है, इस सब कुछ के लिए आप भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूले, ठीक है। तो और मुझे लग रहा है कि आप अगर किसी से प्यार करते हो, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं जून मंथ में, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पर 20 आया है, देखो ये नंबर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख तक के बीच में ये प्रपोज़ल आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है, या फिर 20 तारीख को ही किसी किसी के पास ये प्रपोज़ल आ जाएगा। इस मंथ में तो कंफर्म है, ठीक है। तो सभी जगहों से मुझे यही मैसेज मिला कि आपके पास अवंडेंस तो आने वाली है गाइस, ये तो श्योर है। ओके बाय।